हेलो सेकंड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एमएम पब्लिक स्कूल। तो सेकंड क्लास, आज आपका टर्न है मोरल वैल्यू। तो बच्चों निकालेंगे अपनी बी पॉजिटिव मोरल वैल्यू की बुक और चैप्टर नेम आज हम पढ़ेंगे कौन सा, 5। ओके बच्चों, ओपन कीजिए बच्चों पेज नंबर 20 पर है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नेम है द टॉर्टोइज एंड द रैबिट। हम जो स्टोरी आज हम जो पढ़ेंगे वो है कछुआ और खरगोश की। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो कुछ हमें एक्टिविटी दी गई है। तो जो एक टॉर्टोइज है वो हेल्प द टॉर्टोइज इज रेज द फिनिश लाइन, जो वो पहुँचना चाहता है इसकी फिनिश लाइन तक। तो चलिए हम यहाँ से देखिए, आप ऐसे ही आप अपने आप से इसको करेंगे कि वो फिनिश लाइन तक कैसे पहुँचता है। तो ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी करना। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टोरी अब एक बार से रीड कर लेते हैं। नाउ रीड दिस स्टोरी ऑफ रेस बिटवीन ए रैबिट एंड टॉर्टोइज। अब हम पढ़ रहे हैं वो कहानी जो खरगोश और कछुए के बीच की दौड़ की है। ओके बच्चों, वन डे रैबिट मीट टॉर्टोइज। एक दिन खरगोश मिलता है कछुए से। वेयर आर यू गोइंग मिस्टर टॉर्टोइज, कहाँ जा रहे हो मिस्टर टॉर्टोइज। आई एम गोइंग टू द कैरेट फील्ड, तो कछुआ कहता है मैं जा रहा हूँ गाजर के मैदान में। आई एम गोइंग टू द कैरेट फील्ड टू, आई वॉन्ट टू ईट द कैरेट्स। मैं भी जा रहा हूँ गाजर खाने, मुझे भी गाजर खानी है। You are very slow, I can run fast. तुम बहुत धीमी गति से चलते हो और मैं तेजी से चल सकता हूँ। I am slow but stay, so I will reach the field fast. मैं धीमी गति से कर रहा हूँ लेकिन इसलिए मैं पहले क्षेत्र में पहुँच जाऊँगा, मतलब पहले मैं मैदान में पहुँच जाऊँगा। बेशक से मैं धीरे से चल रहा हूँ। No, I will reach the field first. नहीं, मैं पहुंचाऊंगा पहले, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। Let's have a race. और फिर वे दौड़ शुरू करते हैं। They start the race. तो वो दौड़ शुरू करते हैं। 1, 2, 3, let go. 1, 2, 3 करते हैं और वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। रैबिट स्टार्ट रनिंग क्विकली, टॉर्टोइज इज लेफ्ट हर बिहाइंड। खरगोश जो शुरू करता है दौड़ना जल्दी ही और कछुआ पीछे छूट जाता है, उसे कछुए को पीछे छोड़ देता है। इट इज ए हॉट डे, सून रैबिट फील टायर्ड एंड स्टॉप फॉर रेस्ट। वो एक गर्म दिन है और जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, खरगोश थका हुआ महसूस करने लगता है। वो थका जो खरगोश है वो फील करने लगता है कि मैं थक चुका हूँ। लेट मी रेस्ट अंडर दिस ट्री, देन आई विल फिनिश द रेस। और आराम के लिए वह रुक जाता है, मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करना है और मैं फिर दौड़ पूरी कर लूँगा। खरगोश जो सोच रहा है वो ये बोल रहा है कि मैं अभी ट्री के नीचे मतलब पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ और फिर मैं अपनी दौड़ पूरी कर। ही सिट डाउन, सून ही फेल अस्लीप, और वो बैठ जाता है और उसे वह सो जाता है, उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। टॉर्टोइज वॉक डाउन द रोड, ही स्लो बट ही डज नॉट स्टॉप, ही वॉक फास्ट रैबिट। कछुआ चलता है, वह चलता ही रहता है, बेशक से वो धीमे चल रहा है मगर वो चलता रहता है, लेकिन वह कहीं नहीं रुकता है और वो कहीं भी नहीं रुकता है और वह पीछे खरगोश से ही चलता रहता है। When rabbit woke up, he see tortoise near the field. और जब खरगोश उठता है तो वह देखता है मैदान के पास कछुआ, वह मैदान के पास किसको देखता है, कछुए को। ओ नो, टॉर्टोइज इज नियर द फील्ड ऑफ कैरट, अरे नहीं कछुआ गाजर के खेत के पास है। रैबिट रन टू द फील्ड बट इन वेन, टॉर्टोइज हैज ऑलरेडी रिचर्ड द फील्ड। मैदान में दौड़ता है लेकिन बेकार, बेकार की ही वो मैदान में दौड़ता है, कछुआ पहले ही मैदान में पहुंच चुका होता है। आई हैव वॉन द रेस, मैंने दौड़ जीत ली है।
रैबिट इज एंग्री, हाउ कम यू वॉन द रेस, तुम कैसे दौड़ में आए, क्योंकि रैबिट जो है वो बहुत गुस्सा है, वो बहुत नाराज है और वो फिर कछुए से पूछता है कि तुम दौड़ में कैसे आए, बिकॉज आई एम स्लो बट स्टे आई डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर सो आई वॉन द रेस, क्योंकि मैं धीमे हूँ लेकिन स्थिर कहीं भी नहीं रुका, मैं कहीं भी नहीं रुका, मैं चलता रहा इसलिए मैंने दौड़ जीत ली, क्योंकि वो बेशक से धीमे चल रहा था, कौन चल रहा था, कछुआ जो बिल्कुल धीरे चल रहा था और वो कहीं नहीं रुका क्योंकि उसको थकावट नहीं हुई, वो धीरे धीरे चल रहा था तो इसलिए उसने दौड़ जीत ली। और खरगोश बहुत जल्दी दौड़कर वो सोच रहा था कि मैं जल्दी ही अब मैदान तक पहुंच जाऊंगा, गाजर खा लूंगा, तो फिर वो जल्दी से नहीं पहुंच पाया। तो बच्चों आपने इसमें कछुए खरगोश की कहानी आपने पहले भी पढ़ी थी और आज आपने फिर से पढ़ी है तो आपको अच्छे से लर्न होगी होगी, तो एक बार आप खुद से भी इसको पढ़ना। इसमें दिया नीचे दिया जाता है यू मस्ट रिमेम्बर, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इम्पॉसिबल टेक कैन बी अचीव्ड बाय वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क इज द की टू द डोर ऑफ सक्सेस, असंभव कामों को कठिन करना परिश्रम करके हासिल किया जा सकता है, काम सफलता के द्वार डोर मतलब द्वार को दरवाजे को दरवाजे की कुंजी है, मतलब एक चाबी है। आप अगर असंभव मतलब जो इम्पॉसिबल जो काम होते हैं अगर आप अपने वर्क हार्ड अपनी मेहनत के द्वारा उसको पा सकते हो, हासिल कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और आपको बच्चों ये जो आपका वर्क है ये सेंड कर दिया जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।